Good morning, everybody. And let us quickly see whether we are online, that is, we are live or not. Yes, I guess we have to check it whether we are live or not. Come on, everybody. Good morning, Ganesh. Good morning, Varsha. Good to see you, Harsha. Very good, very good. I can see so many of you are here. So, we have our lecture number 14 today, friends. Before we begin with the session, first let us check out whether we are live or not. Everybody, just give me the confirmation whether we are live. Yes. I guess, yes, we are live. Great to see you. Good morning, everybody. And today we are going to start with capital structure का very very important two remaining theories, friends. Already हमने NI approach complete किया है, net operating income approach हमने complete कर दिया. ना सिर्फ इसके steps देखे, but उस पर problem भी solve किया, conceptually हर step को derive किया. और आज दोस्तों मैं CA प्रशांत सरडा आपके साथ यहाँ पर traditional approach and MM approach discuss करने जा रहा हूँ. Yes, great. चलो, आई एम सीए प्रशांत सरडा, आई एम योर फैकल्टी, आई एम योर मेंटर फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 15 इयर्स, फ्रेंड्स, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड. दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल अब तक अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिसोर्स आप मिस कर रहे हो. आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज वी वांट मोर सब्सक्राइबर्स, बट वी वांट टू गिव मोर नॉलेज, मोर अपडेट्स अबाउट आवर अपकमिंग शेड्यूल, आवर क्लासेस, नोट्स एंड एवरीथिंग. सो इट्स वेरी वेरी यूजफुल चैनल दोस्तों. इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल, इट्स आवर करियर चैनल. सो वी हैव टू ज्वाइन दिस चैनल एज ऑफ नाउ. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दे रखा है. सो दोस्तों, भूलिएगा मत, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा. आपने अब तक अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों आप नॉलेज का भंडार मिस कर रहे हो. टुडे इटसेल्फ डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम इधर गूगल प्ले स्टोर और फ्रॉम योर ऐप स्टोर. एंड दोस्तों, आप उसे इंस्टॉल करोगे. जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो वो आपको पूछेगा आपका गोल क्या है. दोस्तों, आपका गोल है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और उसके अंदर आपका गोल है दोस्तों ये सीए इंटरमीडिएट. सो दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट को आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद वो आपको पूछेगा कौन सा प्लान, और गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है. बट दोस्तों, कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है उसके लिए आपको प्लान्स की जानकारी होनी चाहिए. तो दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है प्लस प्लान, दूसरा होता है आइकनिक प्लान. प्लस प्लान में दोस्तों चार फीचर्स होते हैं. कौन से चार फीचर्स होते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लेक्चर्स होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, आपका वीकली यूनिट टेस्ट होगा, और आपके ये जो लेक्चर्स होते हैं इनका अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपको, ताकि आप रिविजन कर पाओ, आप आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज कर पाओ. सो ये चार फीचर्स जो यू कैन से सर्वगुण संपन्न प्लान है, इसे हम बोलते हैं प्लस प्लान. बट दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी को लगता है नहीं, मुझे एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है, मैं थोड़ा आलसी और मुझे लगता है कि कोई ना कोई मुझे बैकिंग के लिए चाहिए, सो दोस्तों उनके लिए होता है आइकनिक प्लान. आइकनिक प्लान में एक्स्ट्रा 5 फीचर्स आते हैं दोस्तों. कौन से 5 फीचर्स आते हैं? पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको, आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स, फिर आपको एक्सपर्ट का पूरा गाइडेंस मिलता है. टाइम टू टाइम आप बूस्टर वे में कैसे स्टडी कर पाओ, एंड आपके स्टडी मटेरियल के आपको हार्ड कॉपी मिलेंगे दोस्तों. एंड लास्टली, आपका जो स्टडी प्लानर है वो एक प्रॉपरली डिजाइन किया जाएगा, और उसका बाय वीकली रिव्यू भी किया जाएगा. सो दोस्तों, दैट वॉज योर आइकनिक प्लान. आपको सब्सक्रिप्शन या तो प्लस या तो आइकनिक, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, लेना है. जब जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए आगे बढ़ोगे, आपको अलग अलग वैलिडिटी के प्लान्स मिलेंगे दोस्तों. जब आप वैलिडिटी वाइज प्लान देखोगे तो सामने आपको प्राइजेस भी दिखेंगे. और जैसे ही आपने क्रैक सीए ये कोड यूज किया दोस्तों, तो ये प्राइजेस चेंज हो जाएंगे. आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन. तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड क्रैक सीए फॉर योर सब्सक्रिप्शन. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, परसों से 3 तारीख से मेरे बैचेस जो है वो स्पेशल पर भी आने वाले हैं. तो अगर आपने ये लर्निंग ऐप डाउनलोड कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है, तो दोस्तों क्रैक सीए ये कोड यूज कर आप अनलॉक कर सकते हो आपके स्पेशल के बैचेस, जो कि फ्री बैचेस होते हैं. सो उस वक्त भी आपको ये क्रैक सीए कोड यूज करना है और उसे अनलॉक करना है. सो दोस्तों, ये प्लान्स प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए. अभी फिलहाल 2 प्लान्स पर ऑफर चल रहे हैं कि अगर 6 मंथली सब्सक्रिप्शन लोगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा 1 मंथ एक्स्ट्रा, और 12 मंथली अगर आप लेते हो तो आपको मिल जाएगा 2 मंथ्स एक्स्ट्रा.
दोस्तों एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी मिल रहा है तो डेफिनेटली आपने लेना चाहिए, आपने उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों आज के लिए कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। सो दोस्तों टोटल कुल मिलाकर 1 करोड़ के यू नो पूल ऑफ प्राइजेस दिए जाते हैं एवरी वीक, ये होता है जिसका रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। आपके टेस्ट जो है कॉम्पैक्ट जो है वो इंग्लिश में लिए जाएंगे एंड लाइव होते हैं आपके एंड्रॉइड ऐप पर। सो दोस्तों ये स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो, एवरी संडे ये स्कॉलरशिप होता है। जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन अवेल नहीं किया रहेगा तो उसके पहले संडे को ये ट्राई कीजिए दोस्तों, 12 बजे ये टेस्ट होता है आपका। आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड अगेन क्रैक सीए, ये कोड यूज कीजिए। फर्स्ट 3 रैंकर्स को 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है दोस्तों, 4th से लेकर 10th रैंकर को टोटल सब्सक्रिप्शन में 75% ऑफ मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, एंड 11th से लेकर 50 रैंक्स तक के स्कॉलरशिप्स जो है वो 50% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पर, एंड फिर रिमेनिंग 50% विल बी योर स्कॉलरशिप अमाउंट जो आपको हमारे तरफ से दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। एंड दोस्तों 51 से 200 रैंक्स को जो है 25% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पर, मतलब आपने 25% स्कॉलरशिप गेन कर लिया है। So that is the importance of your compact. So don't forget to subscribe for this also every Sunday 12 p.m. Remember this. Okay, you can be that golden person who made their own way in life. Okay, by going ahead with this compact. And finally, friends, our code is cracks here, very positive code. With that positive feeling, we have to go ahead with our intermediate classes. Okay, everybody, come on, let us see who all joined us so that we can start our learning session for today. So we have with us Sanket today. Mani is also there with us. Manikandan, welcome. Prashamsa, welcome. Good morning. Varsha is there with us. Yes, great. So Sanket bol raha hai, I regularly attend combat and came in top 50 always. Wow, Sanket, very good achievement. Yes, great, great, great. Jatin, you are also there. So please take capital budgeting next revision sessions. Yes, Jatin, we have planned capital budgeting also. We have already completed payback period, payback reciprocal period, and payback reciprocal period. But Jatin, we are yet to cover the two most important concept in capital budgeting, that is NPV and IRR. Purposefully, I have not kept it because first, before that, we have to complete time value of money, Jatin. So, time value of money ka ek session kal hua tha aur ek aur session rahega. And definitely, aaj ka session ke baad, aap baad mein prepare ho jaoge NPV and IRR method ke liye. So, good, agar aapne ab tak nahi kiya rahega, to definitely, Jatin, go ahead with time value of money. Kal aap session mein nahi the time value of money ke. Pehle time value of money dekh lo taaki aapko capital budgeting achche se samajh jayega. Great. Gomtesh, good morning. Good to see you, Gomtesh, here. And we have all the users active with us. Let us begin our session. Yes, friends. So today's chapter is capital structure, and the topic in that which we are going to deal is your traditional theory and your MM approach. So traditional theory and MM approach, ye do cheeze hum log study karenge, jiske notes aapko mil chuke rahenge. Yes, ये नोट से दोस्तों आपके ट्रेडिशनल थ्योरी टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन इसी के नीचे आपको MM अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच दिया है, विच हैज नथिंग टू डू विद नरेंद्र मोदी. ओके, सो वी हैव एवरीथिंग रेडी विद अस, आवर नोट्स एंड आवर डायग्राम्स एंड एवरीथिंग इज रेडी. वी जस्ट नीड टू लुक फॉर दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो दैट अगर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपके 8 मार्क तो पक्के होने चाहिए. ओके, एटलीस्ट 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो 5, नहीं तो 8. ओके, सो फ्रेंड्स, yes, great to see you all. Now let us begin. हमने NI approach और NOI approach दोनों cover कर लिया है दोस्तों 2 sessions में, और आज हम लोग ये दोनों theories cover कर लेंगे एक session के अंदर, ताकि आपको चारों theories का complete idea रहे कि वो theories किस बारे में है. Okay, so friends, we have our general assumptions for all theories. If you remember our general assumptions for all theories, why I repeat that? Because it's applicable for these 2 theories also. So, general assumptions जो हमने पढ़े थे वो ये थे दोस्तों कि आप फर्म हो और आप आपका कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चेंज कर सकते हो, मगर आप चेंज कर सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर. माने कि दोस्तों आपका अगर टोटल फंड्स एम्प्लॉयड रहेगा 100 रुपीज, तो आप 100 रुपीज को चेंज नहीं कर सकते, मगर 100 के कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हो, कितना डेट से आएगा, कितना इक्विटी से आएगा, आप उसे चेंज कर सकते हो.
सो इसे हम बोलते हैं यू आर अलाउड टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर बट यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, सो दैट वॉज योर अजम्पशन. सेकेंड अजम्पशन, देर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी, यू कैन नॉट टेक फंड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड अजम्पशन था दोस्तों, ऑल रिटेन यू नो ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. That means your earning per share is equal to your dividend per share and you are not retaining anything with you. That means no retained earnings. That was your next assumption. The next assumption, uske baad applicable for all theories, was that the investor's expectation, equity investor's expectation will remain same. Koi zyada expect nahi karega, koi kam expect nahi karega. Iske bhi reasons humne discuss kiye the dosto, aapke session mein us waqt nahi yaad aata hai, to ek baar phir se sun lo. So, दोस्तों ये सब assumptions के बाद हमने देखा there are no taxes, no corporate tax, no personal tax. Yes, दोस्तों ये सभी assumptions के साथ आपके चारों theories आती है. Okay, and then दोस्तों सभी you know generally सभी theories में आपको एक और assumption मिलेगा, वो है cost of debt is always less than cost of equity. Cost of equity will be always higher, cost of debt will be always lower. और उसका reason first chapter में छुपा है दोस्तों, because first chapter बोलता है equity investors are owners of company, their expectations will always be higher than others. तो जितना बाकी लोगों को pay करते हैं उससे ज्यादा हम demand करेंगे equity shareholders, क्योंकि बाकी लोग तो outsiders हैं और हमारी company हम owner है, तो obviously हमारे expectations दूसरों से ज्यादा होनी चाहिए. With that logic friends, great. We are going to go ahead with the traditional theory and then lastly we will see your MM approach. Okay, तो हम एक काम कर लेते अभी, traditional theory discuss कर लेते. सब लोग यहां पर discuss कर रहे कि what is the difference between capital employed and value of the firm. Sir, there is a difference between capital employed and value of the firm, right? Yes, Chinal Jain, you are absolutely correct. Capital employed अलग होता है और value of firm अलग होता है. मैं आपको समझाता हूँ जीनल, ध्यान से सुनिए और बाकी लोग भी बहुत अच्छे से सुनिए, because it's a good question. जब हम capital employed बोलते हैं, it's book value of your capital, book value of your capital. But when we say value of firm, it's market value of your firm. इसका मतलब market value of debt plus market value of equity will give you value of firm V. V is equal to S plus D था जीनल. S was value of equity, मतलब market value of equity. D was value of debt, मतलब market value of debt. दोनों market values add करके आपको value of firm, मतलब market value of firm V मिलता है. Whereas capital employed जो है वो book value of capital होता है. Book value of capital में value of debt, value of equity, preference रहेगा तो preference भी आता है, but book values आती है. Okay? So there is a difference. Good question, Jinal. Now we will see the assumptions for traditional theory. Traditional theory का first assumption बोलता है, first assumption बोलता है the cost of debt is always less than cost of equity. Great, first assumption is what we discussed just now. Second, KD and KE vary with the change in debt equity mix. ध्यान से सुनो दोस्तों, NI approach ने बोला था KD KE दोनों constant रहेंगे. NOI ने बोला only KD remains constant, KE increases as debt content increases. अब ये theory बोल रहा है दोनों vary होंगे as capital structure is changed. आप समझ रहे हो बात को? NI approach ने दोनों को constant रखा था, KD and KE. NOI ने KD को constant रखा, KE को increasing किया. अब ये traditional approach दोनों को change कर रहा है, उसके reason के साथ वो change कर रहा है दोस्तों. KE increasing रहेगा, ये logic इधर भी आता है. KE क्यों increasing रहेगा सर? Because as debt content increases, the financial risk of company increases. And if you are invested in that company, your risk is increasing, therefore your return expectation will increase. You are investor and your returns are cost to company. You are investor, your returns is cost to company, because आपको return कौन दे रहा है? Company दे रहा है. So अगर आपके returns के expectations बढ़ रहे, तो company का cost of equity बढ़ रहा है. So this logic remains here also. Look क्या बोला है यहाँ पर? KD and KE vary with the change in debt equity mix. As debt content increases, your financial risk increases, and therefore causing an increase in expectations of equity investors. तो अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टर हो, आप कंपनी हो, सो ऑब्वियसली मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं रिटर्न के, इसका मतलब आप कंपनी हो, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे रिटर्न्स कौन देगा? आप ही दोगे. सो जितना मेरे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, उतना आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा. सो द यू नो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन विल राइज एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल आल्सो राइज. यहां तक तो हमने पढ़ा भी था, रीजन सेम है, बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि डेट का कॉस्ट क्यों चेंज होगा, डेट का कॉस्ट क्यों चेंज होगा. वो आगे लिखा है दोस्तों, पढ़ो क्या लिखा है. ऑल्सो एडिशनल लोन कैन बी टेकन ओनली एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ध्यान से सुनो दोस्तों क्या बोल रहा है ये पॉइंट. ऑल्सो
एडिशनल लोन्स। एडिशनल लोन मतलब क्या, ऑलरेडी लोन लिया है और लोन चाहिए, और लोन चाहिए। अगर ऐसे हावड़े जैसे और लोन मांगते रहोगे, मतलब और लोन दो, तो ऑब्वियसली बैंक का रिस्क बढ़ेगा। बैंक सोचेगा अरे यार ये मेरे से ही बहुत पैसा ले रहा है, अगर मुझसे पूरा पैसा लेगा तो तेरा पैसा कम हो रहा है ना। इक्विटी इन्वेस्टर्स का ओनर्स आर इक्विटी इन्वेस्टर्स, बैंक इज लेंडर टू कंपनी। जितना लेंडर का पैसा बढ़ा रहे हो और ओनर का पैसा कम कर रहे हो, उतना बैंक को फील हो रहा है कि मेरा रिस्क बढ़ रहा है। अगर बैंक को लगता है कि बैंक का रिस्क बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए तो रिटर्न इंटरेस्ट होता है। तो जितना उनका रिस्क बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ाएंगे, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक बढ़ाएगा, आपका केडी बढ़ेगा। सो दोस्तों वही लिखा है दोस्तों यहां पर, एडिशनल लोन कैन बी टेकन ओनली एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर फोर कॉस्ट ऑफ डेट ऑल्सो राइजेस बियॉन्ड अ सर्टन लेवल ऑफ डेट कंटेंट। बियॉन्ड अ सर्टन लेवल ऑफ डेट कंटेंट मतलब दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है कि एक लेवल तक आपको डेट मिलेगा नॉर्मल रेट से। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप इक्विटी इन्वेस्टर में बैंक, ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूँ ठीक है 20% डेट ले लो, 80% आपका पैसा। आपने बोल दिया ओके मैंने आपको दे दिया 9% से। अब आप बोल रहे हो कि 20% और लोन चाहिए, तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो 40% मेरा, पहले का 20 अभी का 20, और आपका कितना बन जाएगा 60%। अब मैं सोचूंगा ठीक है यार अब इधर तक ठीक है। अब आप बोल रहे हैं नहीं नहीं और 20% लोन आप दे दो, हम हमारा 20% कैपिटल और कम करना चाहते हैं। सो मेरा 60% और आपका 40%, अब मुझे लग रहा है कि रिस्क बढ़ रहा है। सो मैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से नहीं दे सकता दोस्तों। एडिशनल लोन मैं आपको बोलूंगा कि मेरा रिस्क बढ़ रहा है तो मेरे रिटर्न्स बढ़ने चाहिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कॉस्ट ऑफ डेट है दोस्तों। सो आप बोलोगे आपका केडी बढ़ रहा है। और अगर आप बोलोगे और एडिशनल 20% लोन दे दो और आपका कैपिटल 20% से आप कम करना चाहते हो, तो 80% बैंक पैसा दे रहा है एंड 20% आप, 80% फंडिंग इज फ्रॉम बैंक, 20% इज फ्रॉम इक्विटी। ऑब्वियसली बैंक विल फील बैंक का यू नो रिस्क बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, तो बैंक आपको बोलेगा नहीं अब पिछली बार से भी हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, क्योंकि मेरा रिस्क तो और बढ़ रहा है। सो दोस्तों एडिशनल डेट इज ऑलवेज अवेल्ड एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयरफॉर केडी इंक्रीजेस बट बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। यहां पर मेरे एग्जांपल में 40% तक बैंक बहुत कंफर्टेबल था, 60% आपका 40% बैंक का, उसके बाद ही बैंक ने आपका केडी बढ़ाना स्टार्ट किया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। यस ग्रेट कु, गुड मॉर्निंग कु अग्रवाल। नाउ डेट इंक्रीज होगा, यस डेट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली केडी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज बैंक को लग रहा है कि बैंक का रिस्क बढ़ रहा है। यस एवरीबॉडी। एंड लास्ट पॉइंट सेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज स्टीपर देन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट। ये लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपको कि केडी जो है वो कम रेट से बढ़ेगा और केई जो है वो ज्यादा रेट से बढ़ेगा। क्यों ऐसा बोला सर इन्होंने? बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर्स आर ओनर ऑफ कंपनी, तो जितना बाहर वालों को दे रहे उससे ज्यादा इनको चाहिए कभी भी। तो ये लोग बोलेंगे बॉस अगर आप डेट का कॉस्ट बढ़ा रहे हो तो इक्विटी का कॉस्ट और बढ़ने वाला है, क्योंकि आप बाहर वालों को उतना पे कर सकते हो तो हमको तो उससे ज्यादा पे करो। विद दैट लॉजिक फ्रेंड्स केई इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट देन केडी एंड देयरफॉर केई इज स्टीपर एंड केडी इज लेस स्टीपर। थोड़ा फ्लैटर्ड होता है केई, मगर सॉरी केडी, एंड केई जो है वो फास्ट बढ़ता है इसलिए वो स्टीपर होता है। ओके ग्रेट। नाउ फ्रेंड्स व्हाट दिस थ्योरी हैज टू से I will show you diagrammatically and you will understand everything. Okay? Draw करो मेरे साथ ये heading दे सकते हो आप traditional approach। हम लोग कौन सा approach study कर रहे हैं? Traditional approach। Everybody give the heading traditional approach and X. स्ट्रीमिंग इधर से दिख रहा है मुझे? आपके पास सभी के पास अब स्ट्रीमिंग आ रही है? आर वी लाइव फ्रेंड्स? क्विकली चेक आउट, इट्स क्लियर, सब सही चल रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। Thank you so much, Mayur. Our technical department king is here with us, and therefore हमें कोई technical difficulty आती है तो हम तुरंत Mayur को बुला लेते हैं। Mayur sir हमारे पास technical team में है जो सब technical issues आराम से solve कर देते हैं। Thank you so much, sir. We missed
आफ्टर यू ड्रॉ द एक्सेस, नो प्रॉब्लम अनुज, वी विल ड्रॉ इट अगेन, एक बार रिवर्स जाता हूं मैं थोड़ा सा और फिर से हम स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस तक आप सब लोग मेरे साथ थे दोस्तों, बलखान एवरीबडी, यस वी आर नाउ लाइव एंड वी विल स्टार्ट अगेन, वी मिस्ड आफ्टर यू ड्रॉ द एक्सेस, नो प्रॉब्लम प्रशंसा, वी आर ड्रॉइंग इट अगेन, मैंने रब कर दिया उसे, ओके नाउ पे अटेंशन दोस्तों, जब आप एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते हो तो आपका डेट कंटेंट आप बढ़ाकर आपका इक्विटी कंटेंट आप कम करते हो, मतलब इक्विटी का कंपोनेंट घटाकर डेट का कंपोनेंट बढ़ाना, इन शॉर्ट क्या होता है डेट को बढ़ाकर इक्विटी को कम करना इज नथिंग बट वी आर टेकिंग न्यू डेट एंड वी आर बाइंग बैक अवर इक्विटी शेयर्स, वी आर बाइंग बैक अवर इक्विटी शेयर्स बाय टेकिंग न्यू डेट, ओके सो इस तरीके से हमारा डेट कंटेंट बढ़कर इक्विटी का कंपोनेंट कम होता है, ओके नाउ फ्रेंड्स अप टू अ सर्टेन लेवल बैंक विल गिव यू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टिल द पॉइंट ऑफ टाइम बैंक फील कंफर्टेबल, मेरे एग्जांपल के हिसाब से 60% आपका है, बैंक का 40% है, ठीक है, बैंक इज वेरी कंफर्टेबल गिविंग यू लोन, बट दोस्तों उसके बाद अगर आप बोलोगे और लोन दो तो एडिशनल लोन के साथ बैंक का रिस्क बढ़ता है, इसलिए बैंक बोलता है कि हमारे रिटर्न्स भी बढ़ाओ, मतलब केडी को बढ़ाओ, हमारे रिटर्न्स बढ़ाओ मतलब क्या केडी को बढ़ाओ, क्योंकि दोस्तों बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कॉस्ट ऑफ डेट है, एंड यस दोस्तों इस वजह से आपका डेट कंटेंट बढ़ाने के बाद आपका केडी दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ने लग जाता है इस तरीके से, यस ग्रेट। नाउ फ्रेंड्स यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया, एक सर्टेन लेवल ऑफ डेट कंटेंट तक बैंक कंफर्टेबल है, इस लेवल तक, ओके इस लेवल के आगे अगर आपको और लोन चाहिए तो बैंक बोलेगा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक का रिस्क बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, जब बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो आप एज अ कंपनी आपका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगा, ओके नाउ फ्रेंड्स जैसे जैसे डेट कंटेंट बढ़ाते हो तो आपका ऑब्वियसली केई बढ़ता है, ये तो अपन ने लास्ट थ्योरी में भी देखा था, जैसे जैसे डेट कंटेंट बढ़ाते हो आपका केई क्यों बढ़ता है, क्योंकि डेट कंटेंट बढ़ाने से इक्विटी इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है, और जब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है तो बदले में रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स का रिटर्न्स मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू कंपनी, जब मेरे रिटर्न्स मुझे हायर चाहिए और मैं आपकी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मेरे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस हाई हो रहे हैं मतलब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, एंड दोस्तों यस केई बढ़ते जा रहा है यहां पर, यस कम ऑन एवरीबॉडी, चलो स्टार्ट करें अभी इसके आगे का डिस्कशन, क्योंकि ये जो कव है ऊपर वाला के ये तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था अपने NOI अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। अब दोस्तों ट्रेडिशनल थ्योरी को समझने के लिए इस थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर स्टडी करना पड़ेगा, 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा फिर स्टडी करना पड़ेगा, कौन से 3 पार्ट है दोस्तों, ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2 और ये स्टेज 3, फेज 1 फेज 2 फेज 3 भी बोल सकते हैं आप इसे। अब 2 मिनट के लिए सिर्फ फेज 1 पर ध्यान दो, ये जो फेज 1 है यहां तक ध्यान दो, क्या दिख रहा है आपको इधर, सिर्फ फेज 1 में अगर मैं ध्यान दूंगा तो मुझे केडी कांस्टेंट दिख रहा है और मुझे ऊपर केई भी लगभग कांस्टेंट दिख रहा है, ऊपर केई कांस्टेंट है नीचे केडी कांस्टेंट है, तो दोस्तों आपको क्या नजर आ रहा है यहां पर, आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेज है ये अपने किसी थ्योरी को रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट स्टेज केडी कांस्टेंट केई कांस्टेंट किसी थ्योरी को रिजेंबल कर रहा है, जो थ्योरी हमने आपके साथ डिस्कस की है ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसको ये रिजेंबल कर रहा है, एवरीबॉडी किस थ्योरी को ये रिजेंबल कर रहा है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज, वेरी गुड गोमतेश, फर्स्ट वाला थ्योरी गोमतेश, गणेश, वर्षा, सो प्राउड ऑफ यू कि यहां पर ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये आपका फर्स्ट थ्योरी जो हमने पढ़ा था NI अप्रोच उसको रिजेंबल कर रहा है, केडी रिमेंस कांस्टेंट केई रिमेंस कांस्टेंट, और उस थ्योरी में अगर आपको याद होगा तो केओ जो है केओ वो डिक्रीज होता है, सो यहां पर भी दोस्तों क्या होगा, हमारा जो केओ है वो डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, सो यहां पर हमारा केओ स्टार्ट हो रहा है केई से, केओ केई से क्यों स्टार्ट होता है सर, बिकॉज 100% इक्विटी 0% डेट, तो कुछ डेट है ही नहीं, तो ओवरऑल पैसा अगर पूरा इक्विटी से आ रहा है तो ओवरऑल पैसों का कॉस्ट भी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना ही रहेगा ना, तो इसलिए आपका क्यो जो है वो केई से शुरू होगा और फर्स्ट स्टेज में आपका क्यो जो है वो फॉल होगा, फर्स्ट स्टेज में केओ क्यों फॉल होगा सर, क्योंकि NI अप्रोच में भी केओ फॉल होता था,
क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी एक कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर आप इक्विटी को घटाकर डेट को बढ़ा रहे हो तो आप सस्ता कैपिटल ऐड कर महंगा कैपिटल लेस कर रहे हो, ओवरऑल पैसों का कॉस्ट कम 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 होगा। You are adding cheaper source of finance, you are reducing costlier source of finance, therefore your overall funds cost will come down, down and down. I hope money you understand. Okay? ये जो repetitions कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, ये money के request पर कर रहा हूँ क्योंकि money ने मुझे बोला था सर English में पढ़ाओ ज्यादातर। Okay? Now what? Your KO is continuously falling. ठीक है, सिर्फ stage 2 पर ध्यान दो अभी, ये वाला stage 2 क्या दिख रहा है? नीचे केडी अभी भी कांस्टेंट है मगर ऊपर केई जो है वो राइजिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अगर सेकंड स्टेज में आपका केई राइजिंग होना स्टार्ट हो रहा है मगर आपका केडी अभी तक कांस्टेंट है तो कौन सा थ्योरी को ये रिजेंबल कर रहा है? स्टेज टू कौन से थ्योरी को रिजेंबल कर रहा है दोस्तों? आप मुझे कमेंट में बताओ। वेरी गुड कुहू, हरीशा, गोमतेश, गणेश, एवरीबडी यू आर एब्सोल्युटली राइट। This is resembling to NOI approach. And दोस्तों NOI approach में आपको याद होगा तो KD remains constant but KE increases. ये हमने कल कवर किया था दोस्तों हमारे सेशन में, और ये NOI approach है, उसके जैसा ही दिख रहा है, ये resemble हो रहा है। NOI approach में आपका KO जो है वो constant होता है, NOI approach में आपका KO जो है वो constant होता है, तो ये जो fall होने वाला KO है वो suddenly constant नहीं होगा दोस्तों। सोचिए ना, ये फॉल होने वाला क्यों सडनली ऐसा कांस्टेंट कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। सो आपका ये क्यों फॉल होते 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 एक बॉटम तक टच करेगा, फिर राइज होगा। एंड दोस्तों आपका क्यों जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये बॉटम को टच किया और फिर ये राइज किया। तो सर फिर ऐसे केस में क्यों कांस्टेंट कैसे रहा? क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा दोस्तों, मगर क्यों जितना स्टार्ट ऑफ द स्टेज था उतना ही एंड ऑफ द स्टेज रहेगा। जितना स्टार्ट ऑफ द स्टेज की होता उतना ही एंड ऑफ द स्टेज की रहेगा। दिख रहा है आपको दोनों जगह सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यो इज नॉट एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट लाइक दिस। इट फॉल्स, रीचेस इट्स बॉटम एंड देन राइज। इट फॉल्स, रीचेस इट्स बॉटम एंड देन राइज। दोस्तों इन दैट सिनेरियो स्टार्ट ऑफ द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज क्यो रिमेन्स सेम, दैट वे इट इज कॉन्स्टेंट। ओके सर, ये और क्यों फॉल हुआ? क्योंकि अभी भी आप डेट कंटेंट एड करते जा रहे हो, डेट एक सस्ता कैपिटल है, डेफिनेटली आपका ओवरऑल पैसों का कॉस्ट फॉल होगा। सर फिर ये बॉटम को टच करके राइज क्यों हो रहा है सर? क्योंकि आपका केई आप बढ़ा रहे हो, सॉरी केई आपका बढ़ते जा रहा है। अगर केई बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ओवरऑल पैसों का कॉस्ट बढ़ना भी चाहिए। और आपने अगर अच्छे से पढ़ा रहेगा ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलता है, सो ट्रेडिशनल थ्योरी बोलता है इंक्रीज इन इक्विटी इज स्टीपर देन इंक्रीज इन डेट कॉस्ट। तो केई बहुत फास्ट बढ़ता है दोस्तों, केई बहुत फास्ट बढ़ता है, और अगर के इतना फास्ट बढ़ रहा है सो डेफिनेटली आपका ओवरऑल पैसों का कॉस्ट भी बढ़ेगा। एंड दोस्तों बॉटम लेवल पे टच करने के बाद आपका केओ जो है वो बढ़ेगा, एंड केओ क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ के बढ़ रहा है। एंड थर्ड स्टेज में अगर आप देखोगे अच्छे से, सो केडी बढ़ रहा है, ऊपर के बढ़ रहा है, अगर डेट का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इक्विटी का कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों ओवरऑल पैसों का कॉस्ट तो और बढ़ेगा। सो ऐसे केस में आपका केओ जो है वो इस तरीके से बढ़ते जाएगा, थर्ड स्टेज में आपका केओ बढ़ते जाएगा, बिकॉज नीचे केडी बढ़ रहा है, ऊपर केई बढ़ रहा है। ऑब्वियसली दोनों सोर्सेस का कैपिटल का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल पैसों का कॉस्ट बढ़ने वाला है। सो दिस वे वी हैव द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज किसके जैसे दिखता है? किसी के जैसे नहीं दिखता है, कोई रिजेंबलेंस नहीं है। थर्ड स्टेज अपने आप में एक अलग है क्योंकि दोनों जगह केडी एंड केई बढ़ रहा है तो केओ भी बढ़ने वाला है। तीनों वेरिएबल है दोस्तों। तो ऐसे केस में थर्ड स्टेज में तीनों चीजें चेंज हो रही है। ओके एवरीबॉडी, सो वी हैव विद अस द होल थिंग। आप लिखना है तो यहां पे लिख दो phase 1 एंड यहां पे आप बोलोगे NI अप्रोच। phase 1 किसको रिजेंबल कर रहा है? NI अप्रोच। phase 2 किसको रिजेंबल कर रहा है? NOI अप्रोच को रिजेंबल कर रहा है। ओके phase 3 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो किसी को रिजेंबल नहीं कर रहा है, अपने आप में एक अलग स्टेज है वो phase 3। ओके सो ये तीनों फेज आते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक। अब ट्रेडिशनल थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी ये जो बॉटम लेवल ऑफ क्यो है ना, बॉटम लेवल ऑफ क्यो, इस वक्त जितना भी आपका डेट इक्विटी का कंपोनेंट रहेगा, मतलब डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहेगा,
लेट से 50% डेट 50% इक्विटी यहां पर आ रही है. सो दोस्तों दिस इज सेट टू बी ऑप्टिमम लेवल बिकॉज ऑप्टिमम लेवल बिकॉज क्यू इज मिनिमम. यहां पर आपका क्यू जो है ये मिनिमम पे आ चुका है दोस्तों, और अगर आपका क्यू मिनिमम पर आ रहा है तो ये हमारे लिए ऑप्टिमम है. ऑप्टिमम है मतलब बेस्ट है. बेस्ट क्यों होता है सर? क्यों जब सबसे कम है तो दोस्तों ओवरऑल पैसों का कॉस्ट जो है वो सबसे कम पर है. एंड दोस्तों अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है ना तो वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा है. ध्यान से सुनो मेरा सेंटेंस, अभी जो बोल रहा हूं ये एक बहुत ही तोड़ कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और यू नो डबल लाइक तो नहीं कर सकते वीडियो को, बट डबल स्पीड से मेहनत करेंगे. ओके, लाइक एक बार कर दिया रहेगा तो सेकंड टाइम वापस से लाइक करोगे तो पहला वाला लाइक हट जाता है. सो डोंट डू डबल लाइक. ओके, सो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, जितना क्यो कम वैल्यू ऑफ फर्म उतना ज्यादा. ओवरऑल पैसों का कॉस्ट जितना कम होगा उतना वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगा. कैसे होगा ध्यान से सुनो दोस्तों, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? वी इज इक्वल टू दोस्तों ईबीआईटी अपॉन क्यू. EBIT अपॉन क्यू, जितना क्यू कम रहेगा उतना वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा रहेगा. इतना मैथमेटिक्स तो अपने को आता है, मैथ्स के दुश्मन हो, इतना मैथमेटिक्स तो अपने को आता है, जितना डिनोमिनेटर में कम लूंगा उतना मेरा आंसर ज्यादा आएगा. जितना मैं डिनोमिनेटर कम लूंगा उतना मेरा आंसर ज्यादा आएगा. इसका मतलब ओवरऑल पैसों का कॉस्ट जहां पर क्यू सबसे कम है वहां पर मेरी फर्म की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. And therefore we call this as optimum one because of this logic. ये जो logic है इस logic को भी लिख दो उधर. Great. Ritik Jain, yes sir, great. Everybody give me confirmation. Have you understood the golden concept here? This is not so easy. It's technical. If you understand the previous theory logic, you will understand this everything. So अगर समझा रहेगा तो confirmations दो मुझे comment section में, बोलो yes sir, yes sir. और अगर नहीं समझा रहेगा तो बेझिझक बोलो नो सर ताकि मैं फिर से समझा दूं. दोस्तों ओवरऑल पैसों का कॉस्ट क्यों जहां सबसे कम होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स. मेरे एग्जांपल में दोस्तों ये है मेरा ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहां पर मेरा क्यों सबसे कम है और उसे मैं ऑप्टिमम बुला रहा हूं क्योंकि मेरा वैल्यू ऑफ फर्म वहां पर सबसे ज्यादा है. क्योंकि क्यों अगर कम रहेगा तो वी हाइएस्ट रहेगा. Yes, very good, crystal clear sir. Thank you so much Sanket. अच्छे से समझा सर, very good प्रशंसा. Yes sir, thank you very much everybody. Kuhu, yes sir, great. Ritik Jain ने already yes sir बोला है. So everybody of you are understanding the concept of traditional theory. Traditional theory बोलता है कि जहां पर overall पैसों का cost सबसे कम रहेगा वो debt equity combination आपके लिए best रहेगा. Okay. अब दोस्तों सबसे बढ़िया बात, गणेश भी बोल रहा है यस, सब हरीशा आल्सो यस, क्लियर, ग्रेट. नाउ एवरीबॉडी विल पे अटेंशन. दोस्तों आपका ट्रेडिशनल थ्योरी जो है उसका सबसे बढ़िया पार्ट है कि उसके कोई स्टेप्स नहीं है. एनआई के स्टेप्स है, एनओआई के स्टेप्स है, बट इसके कोई स्टेप्स ही नहीं आएंगे. क्योंकि दोस्तों यहां पर केडीबी वेरिएबल है, चेंजिंग है, केओ भी चेंजिंग है और केई भी चेंजिंग है. तीनों चीजें अगर चेंजिंग रहेगी दोस्तों तो आपको कैसे कोई चीज देकर दूसरी चीज पूछ सकते हैं. ट्रेडिशनल थ्योरी पर आपको अधिकतर एक सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको अलग अलग लेवल ऑफ डेट, अलग अलग लेवल ऑफ इक्विटी दिया जाता है. डेट पे अलग अलग लेवल पे डेट का क्या कॉस्ट है केडी वो दिया जाता है, अलग अलग लेवल का इक्विटी पे इक्विटी का कितना कॉस्ट है वो दिया जाता है. और आपको पूछते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट, विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम. कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको, वैसे क्वेश्चंस में आपको केओ का सिंपल लॉजिक यूज करना है. केओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट इनटू प्रोपोर्शन ऑफ डेट, मतलब ये वाला पार्ट, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, मतलब ये वाला पार्ट. बस आपको ये अलग अलग लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स पर ये लॉजिक यूज कर आपको सॉल्व करना है. और जहां पर भी आपका क्यों सबसे कम आएगा उसे आप ऑप्टिमम मिक्स बुलाओगे कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए. सर विल यू टेक मोर क्लासेस ऑन वर्किंग कैपिटल? यस कुहू, वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड, शेड्यूल में देख लो.
इसका मतलब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग सो दैट माय शेड्यूल कम्स टू यू एवरी डे एंड आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी आर गोइंग टू डील विद कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का चैप्टर 1 यूनिट 1 भी मैं कवर करने वाला हूँ आपके साथ. ओके, सो नथिंग टू वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड वेरी प्रॉपरली एंड प्रिसाइसली लाइक वॉट वी आर कवरिंग राइट नाउ. और इसके बेसिस पर आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, आपको सब चीजें क्रिस्टल क्लियरली आएगी. ओके, सो दिस वॉज योर ट्रेडिशनल अप्रोच विच वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ एंड वी हैव नेक्स्ट अप्रोच विच इज कॉल्ड एज MM अप्रोच इज नथिंग बट दोस्तों मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच. सो दोस्तों मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच क्या होता है उसको जानने के लिए आपको एक्चुअली नोट्स देखना पड़ेगा थोड़े से. तो आप लोग सबसे पहले यहां पर नोट्स ओपन कर लीजिए. यस, नोट्स अगर आप ओपन करोगे ना दोस्तों, नोट्स में आपको एमएम अप्रोच के अंदर कुछ चौंकाने वाली बातें मिलेगी. एमएम अप्रोच आपको लगेगा जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. क्या क्या लिखा है दोस्तों यहां पर, केडी इज लेस देन के. यस, ये बात तो अपन ने पढ़ी थी. एमएम अप्रोच, KD is less than K, cost of debt is less than cost of equity, ये तो already पढ़ा था अपने. Constant KD, नीचे KD constant है, कैसे? First theory NI में भी constant था, second theory NOI में भी constant था दोस्तों. Increasing KE, अरे रे रे, ये तो अपन ने कहाँ पढ़ा है? KD constant increasing KE, KD constant increasing KE, ये अपन ने कौन से approach में पढ़ा है? मुझे comment section में बताइए दोस्तों. कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट्स. कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. कौन से थ्योरी में हमने पढ़ा था कि केडी कांस्टेंट है मगर के इंक्रीजिंग है? वेरी गुड गणेश, संकेत, वर्षा, एनओआई अप्रोच, जो सेकंड नंबर का थ्योरी. यस कू, यू आर राइट. पृथ्वी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो एवरीबॉडी ऑफ यू, यू आर गिविंग मी राइट आंसर्स यहां पर. ऋतिक जैन, एनओआई. हरीशा, वेरी गुड एनओआई अप्रोच. वंडरफुल पब्लिक वी हैव, ऑडियंस इज ग्रेट. एंड दोस्तों उसी थ्योरी में हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट वैक, आपका क्यू जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, ये हमने एनओआई में पढ़ा था. दोस्तों ये चारों अजम्पशन इंस्पायर्ड बाय एनओआई है, मतलब कॉपी ऑफ एनओआई. तो दोस्तों ये जो मॉडल है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एनओआई अप्रोच. लिख दो उधर, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एनओआई अप्रोच, बिकॉज चार बातें जो एनओआई अप्रोच बोलता है वो चारों बातें यहां पर भी लिखी है. इसके अलावा वो कुछ दो प्रपोजिशन देता है दोस्तों, वो दो प्रपोजिशन एमएम अप्रोच क्या देता है हम वो पढ़ेंगे आज के लिए. दोस्तों ये चार बातें बिल्कुल एनओआई जैसी थी जो हमने यहां पर लिख दी. ओके, चारों के चारों जो अजम्पशन में लिखे ये चारों बातें हमने एनओआई अप्रोच में ऑलरेडी पढ़ लिया था. तो इसका मतलब एमएम अप्रोच का डायग्राम बिल्कुल एनओआई जैसे आएगा, मतलब आपका केओ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, नीचे केडी जो है वो कांस्टेंट रहेगा और आपका केई जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा. ओके, ये डायग्राम बिल्कुल एनओआई जैसा ही रहेगा एमएम अप्रोच का. तो दोस्तों एमएम अप्रोच का डायग्राम एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सेम. ओके, नाउ सेम टू सेम लाइक एनओआई अप्रोच. ओके, और केई जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा. बट दोस्तों अब यहां पर के ही ढूंढना नहीं है अपने को, क्योंकि के ही तो ऑलरेडी एनओआई अप्रोच में ही ढूंढ लिया हमने. एमएम अप्रोच जो है वो दो प्रपोजिशन बोलता है, पहले एडिशनल अजम्पशन दो पढ़ लेते फिर उसका प्रपोजिशन देखते, वो प्रपोजिशन लिखकर आज का सेशन एंड करेंगे. ओके, नेक्स्ट फ्यू सेशन में अगर मुझे वक्त मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन भी लेना पसंद करूंगा एमएम अप्रोच पर. ओके, नाउ फ्रेंड्स फिफ्थ अजम्पशन, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये कंसेप्ट को क्लियर रखना जरूरी है दोस्तों. तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है बट उसके पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है. ओके, कंसेप्ट क्या बोलता है अभी, परफेक्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, मतलब शेयर मार्केट परफेक्ट है. शेयर मार्केट परफेक्ट है मतलब बायर्स को पूरी जानकारी है मार्केट के बारे में, सेलर्स को पूरी जानकारी है मार्केट के बारे में. ओके, इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी, मतलब वो कोई भी सिक्योरिटी जब चाहे तब बाय कर सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं. सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स. ओके, They are well informed about the risk and return. उनको पता है कौन सी चीज पे कितना रिटर्न और कितना रिस्क है. Well informed about the risk and return on all type of securities. जितना भी securities market में है सबका risk और सबका returns उनको पता है. Okay? There are no transaction cost. There are no transaction cost मतलब कोई brokerage cost जैसा कुछ नहीं. Normally shares खरीदो और बेचो
तो आपको ब्रोकरेज लगता है, आपको एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, बट यहां पर ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है। ओके, इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, रैशनली बिहेव करना मतलब नॉर्मली बिहेव करना, वो कोई ड्रंकर्ड नहीं है, मेंटली चैलेंज नहीं है, वो रैशनली बिहेव करते हैं। दे कैन बोरो विदाउट रेस्ट्रिक्शन, दे कैन बोरो विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेम टर्म्स एज द फर्म्स डू। क्या लिखा है मेरे नोट्स में, दे कैन बोरो विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेम टर्म्स एज द फर्म्स डू, मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एज अ कंपनी बोरो करते हैं, वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं एज एन इन्वेस्टर बोरो कर सकता हूं, एंड कितना भी बोरो कर सकता हूं, देयर इज नो लिमिट हाउ मच आई कैन बोरो, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स आर यू नो एबल टू बोरो विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेम टर्म्स एज द फर्म्स डू। यहां तक समझा है? यस। लास्टली परफेक्ट मार्केट समझ चुका आपको, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, इन्वेस्टर्स फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज है, उनको रिस्क एंड रिटर्न की पूरी जानकारी है मार्केट के बारे में, एंड नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रिवेल इन द मार्केट, एंड लास्टली कि इन्वेस्टर्स रैशनली बिहेव करेंगे और वो जितना बोरो करना चाहे उतना बोरो करेंगे, उन पर बोरिंग के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे बोरो करेंगे जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर कंपनीज बोरो करती है, फर्म्स बोरो करती है। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है। Now last point, last assumption is risk classification. Risk classification क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए दोस्तों। Firms can be classified into homogeneous risk class. Homogeneous risk class मतलब same risk class, same risk class. Okay? यहाँ पे लिख दो चाहिए तो आपको same. Homogeneous मतलब same, same risk class. They belong to this class. They belong to this class if their expected earnings have identical risk characteristics. ध्यान से सुनो, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैव आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, इसका सिंपल अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको, तो अगर मान लेते हैं दो मिनट के लिए, कंपनी ए एंड कंपनी बी, कंपनी ए एंड कंपनी बी, इसके पास डेट है, इक्विटी भी है, मान लो 100 रुपए का डेट है, 100 रुपए का इक्विटी है, कंपनी बी के पास कोई डेट नहीं है, 200 रुपए का इक्विटी है। ओके, तो दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है क्या? यस, दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, क्योंकि दोनों का एडिशन ऑफ कैपिटल सेम है। डोंट राइट दिस एग्जांपल, जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, सो डेट एंड इक्विटी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, टोटल ऑफ बोथ इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों के पास जो है 200 का कैपिटल एम्प्लॉयड है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ओके, एंड दोस्तों ये एमएम अप्रोच के मुताबिक अगर दोनों कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, दोनों कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, एंड उस दोनों कंपनी का ईबीआईटी भी सेम है, दोनों कंपनी का ईबीआईटी सपोज 20 और 20 है, ओके 20 एंड 20 इज द ईबीआईटी ऑफ बोथ द कंपनीज, तो ये बन गया होमोजेनस रिस्क क्लास, दोनों का अर्निंग और दोनों के रिस्क कैरेक्टरिस्टिक सेम है। रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फाइनेंशियल रिस्क नहीं बोल रहे अपन, ऑपरेटिंग रिस्क बोल रहे। ऑपरेटिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स कब सेम होते हैं? जब दोनों का ईबीआईटी सेम है एंड दोस्तों दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच दोस्तों, मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर दिस टू कंपनीज शुड बी सेम। अगर दोनों का मार्केट प्राइस, एक का 50 है तो दूसरे का भी 50 रुपए मार्केट प्राइस ही होना चाहिए। एमएम अप्रोच बोलता है अगर दो फर्म का रिस्क क्लासिफिकेशन होमोजेनस रिस्क क्लासिफिकेशन है, मतलब सेम रिस्क में आते हैं, तो दोस्तों वो तब आते हैं जब दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है और दोनों का ईबीआईटी सेम है। अगर दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, ईबीआईटी सेम है, तो दोनों बन जाएंगे होमोजेनस रिस्क क्लास। एंड दोस्तों उसके आगे अब मैं आपको प्रपोजिशन नंबर 1 बता रहा हूं। प्रपोजिशन नंबर 1 ये है कि अगर इनका होमोजेनस रिस्क क्लास है तो इनका मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होना चाहिए, एक का अगर 50 है तो दूसरे का भी 50 होगा। सो राइट देयर प्रपोजिशन बाय एमएम अप्रोच, प्रपोजिशन बाय एमएम अप्रोच, प्रपोजिशन बाय एमएम अप्रोच, propositions by mm approach, first proposition, if two companies, belong to
होमोजीनियस रिस्क क्लास, होमोजीनियस रिस्क क्लास दोस्तों, होमोजीनियस रिस्क क्लास कब होता है? ब्रैकेट में लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड सेम स्ट्रक्चर नहीं बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम एंड ईबीआईटी ऑल्सो सेम, मतलब ऑपरेटिंग इनकम ऑल्सो सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, ईबीआईटी भी सेम है, तो उनका होमोजीनियस रिस्क क्लास है. इफ टू कंपनीज बिलोंग टू होमोजीनियस रिस्क क्लास देन देन मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज शुड ऑल्सो बी डैश सेम. मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर, एमपीएस इज नथिंग बट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज शुड ऑल्सो बी सेम. अगर दो कंपनी का रिस्क क्लासिफिकेशन सेम है, होमोजेनस रिस्क क्लास में आते हैं, तो उन दोनों कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर सेम होना चाहिए. वो मार्केट प्राइस पर सेम होने के लिए कंडीशन क्या है? देयर होमोजेनस रिस्क क्लास शुड बी देयर. होमोजेनस रिस्क क्लास कब आता है उसके लिए दो कंडीशन है. होमोजेनस रिस्क क्लास तब आता है जब दोनों कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है एंड दोनों कंपनी का ईबीआईटी भी सेम है. इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कंपनी ए कंपनी बी, दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, दोनों का ईबीआईटी सेम, ये दोनों आ गए सेम रिस्क क्लास में. अगर ये दोनों आ गए सेम रिस्क क्लास में तो अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच इन दोनों का मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होना चाहिए. ओके, दैट इज योर प्रपोजिशन नंबर वन. प्रपोजिशन नंबर टू क्या है दोस्तों? प्रपोजिशन नंबर टू क्या है? अगर कोई समय के लिए, कुछ टाइम के लिए ये सेम नहीं है तो दोस्तों मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा आर्बिट्रेज, जो कू बोल रही है. आर्बिट्रेज स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, आर्बिट्रेज स्टार्ट हो जाएगा मतलब बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में, एंड मार्केट विल मेक इट सेम, एंड मार्केट विल मेक इट सेम. सो वहां पर नीचे प्रपोजिशन नंबर टू लिखो, इफ फॉर एनी मोमेंट, इफ फॉर एनी मोमेंट एमपीएस इज नॉट सेम, एमपीएस इज नॉट सेम, ओके, मार्केट प्राइस पर शेयर इज नॉट सेम, देन आर्बिट्रेज इंटू ब्रैकेट बाइंग एंड सेलिंग, आर्बिट्रेज इंटू ब्रैकेट बाइंग एंड सेलिंग will make it same. Arbitrage will make it same. What is arbitrage, sir? Buying and selling is called as arbitrage. ध्यान से सुनो सब लोग, एकदम आसान कंसेप्ट है, सिर्फ थोड़ा शांति से पेशेंस रख के सुनोगे आप. If for any moment वो सेम नहीं है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मोमेंट है जहां पर ये 50 का है मगर ये जो है ये 50 नहीं, ये 45, ओके, ये 45, सो मार्केट विल मेक इट 50 एंड 45 को इक्वल कहीं पे 47 या 48 पर. मार्केट विल मेक इट इक्वल मतलब क्या होगा सर? मार्केट में बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड बाइंग सेलिंग की वजह से ये इक्वल बन जाएंगे. सर बाइंग सेलिंग की वजह से इक्वल कैसे बनते हैं? आप खुद सोचो कि अगर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का मार्केट प्राइस पर शेयर सेम होना चाहिए, ठीक है, मगर आज सेम नहीं है, तो आपके पास दोनों कंपनी के शेयर है, आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली क्या करोगे? कंपनी ए के शेयर्स बेचोगे, सेल करोगे, और कंपनी बी के शेयर्स बाय करोगे. सर ऐसा हम क्यों करेंगे? बिकॉज कंपनी बी का शेयर सस्ते में मिल रहा है और कंपनी ए का शेयर्स महंगे में बिक रहा है. सो आप प्रॉफिट बुक करने के लिए कंपनी ए का शेयर 50 में बेचोगे और कंपनी बी में एंटर करोगे क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है. सो दोस्तों लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे भाई लोग? इन्वेस्टर्स ना ये ए कंपनी को सेल करते रहेंगे जिससे ए कंपनी का प्राइस नीचे आएगा, एंड बी कंपनी के शेयर्स बाय करते रहेंगे जिससे बी कंपनी का प्राइस बढ़ते जाएगा. सो दोस्तों 50 का प्राइस सेल करने से कम 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 होगा एंड 45 का प्राइस बाइंग 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 प्रेशर की वजह से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कहीं ये पे 47.5 पे शायद इक्वल हो जाएगा और वहां पर आर्बिट्रेज प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. दोस्तों वहां पर आर्बिट्रेज प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग विल मेक इट सेम. एक बार बाइंग सेलिंग सेम बना दिया इसको, फिर बाय एंड सेल स्टॉप क्यों होगा? क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग से फायदा ही नहीं हो रहा है.
ये जो भी मैंने आपको बोला ये आपको थियोरेटिकली अच्छे से समझा है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली आने वाले कुछ सेशन में, इसी 15 दिन के अंदर के सेशन में इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मॉड्यूल पर इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं, तो हम लोग एक सेशन दो सेशन प्लान करते हैं और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे दोस्तों एमएम अप्रोच पर। आई एम श्योर जो आज का डिस्कशन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा होगा। लाइक अगर अब तक नहीं किया रहेगा तो लाइक कीजिए दोस्तों। अनअकैडमी का अगर लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया रहेगा तो आज की कर दीजिए उसे डाउनलोड। क्रैक सीए कोड यूज कीजिए, सेशंस ओपन हो जाएंगे आपके लिए, स्पेशल सेशंस। स्पेशल सेशन में आने वाले 3 तारीख को मेरा स्पेशल सेशन रहेगा, ऑब्वियसली आपको अटेंड करना है। सो क्रैक सीए कोड यूज करके आपको अनलॉक करना पड़ेगा आपके स्पेशल सेशंस को। एट द सेम टाइम दोस्तों अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया रहेगा तो लाइक कीजिएगा। हम लोग फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए मिल रहे हैं शाम में। आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे, कल हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और फिर एक बार आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी परफेक्ट हो गया तो हम कैपिटल बजटिंग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैपिटल बजटिंग इज द बेस, तो कैपिटल बजटिंग इज हैविंग अ हेवी वेटेज इन एग्जामिनेशन, बट फॉर दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द बेस। सो आपको कैपिटल बजटिंग समझाना रहेगा मुझे, तो पहले मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपने लॉजिक से समझाना पड़ेगा। देयरफॉर फ्रेंड्स आई एम डूइंग ऑल द एफर्ट्स for you guys, so definitely it will matter a lot in your success. Okay, see you soon friends, great to see you all, and definitely aap sabhi ko ye sessions pasand aa rahe honge, so keep learning and definitely hum log aage ek sath badhte rahenge. Okay, till then we'll